हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज 18 नवंबर 2018 की एमसीक्यू सीरीज में। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है वो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को लेके। क्वेश्चन ये है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण यानी कि एनसीएलटी एक क्वेश्चन जुडिशियल बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि कंपनी लॉ बोर्ड का उत्तराधिकारी है, मतलब एनसीएलटी है वो कंपनी लॉ बोर्ड का एक अधिकार उत्तराधिकारी के तौर पे काम है वो करती है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली ए सही है, ओनली बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। देखो, आपने इसके बारे में सोच लिया होगा। चलो, हम इसके बारे में आंसर को डिस्कस है वो करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो बेसिकली कंपनी लॉ बोर्ड का एक उत्तराधिकारी होता है। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल फिर सही है। और इसी के साथ ही एनसीएलटी देखो ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी ट्रिब्यूनल होता है वो क्यूसी जुडिशियल पावर उसके पास होती है, मतलब उसके पास अर्ध न्यायिक पावर होती है। कुछ न्यायिक कोर्ट की तरह भी पावर होती है और कुछ पावर अपनी खुद ही होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है इनमें से। देखो सर, अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं काफी बार, क्या बहुत से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं जल्दी में सही वाले को टिक मार कर देते हैं। तो हमें एक तो ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअली हमें पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा है कि इसने भाई कि गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर को उतना गर्म मिलेगा जितना आप ऊंचाई पर जाओगे, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में आप जितनी हाइट पे जाओगे जो जो हाइट बढ़ेगी तो गर्म मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि क्षोभ मंडल है उसकी जो हाइट है या जो ऊंचाई है वो है 40 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है। और इसी के साथ दिया हुआ है कि मेजोस्फीयर है उसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल कंडीशन है वो पाई जाती है। अब देखो, आप एक एक करके हम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा क्या कि डायग्राम को देखते हैं, तब हमें चीजें अच्छे से क्लियर है वो हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले ये होगी हमारी अर्थ का एरिया जहां पे हम लोग रहते हैं, पहाड़ वगैरह सब हो गया। आपको पता है कि सबसे पास कौन सा होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है छो मंडल। तो सर, इसकी जो हाइट होती है वो हमें पता है कि कई जगह 0 से 8 किलोमीटर होती है, कई जगह 13 किलोमीटर, तो मतलब मैक्सिमम 13 से 14 किलोमीटर तक इसकी रेंज है वो होती है। तो ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे होता है, बेसिकली जो छोटे वायुयान वगैरह हैं वो इसी में उड़ते हैं और इसी के साथ ही जो गुब्बारे वगैरह नॉर्मल जो एक्टिविटीज है वो इसी में होती है। ट्रोपोस्फीयर के बाद में आता है स्ट्रेटोस्फीयर। देखो, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, आपको पता है कि ओजोन लेयर होती है। बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है देखो ज्योग्राफी में कि जो जो हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर है वो घटता जाता है, ये हमने पढ़ा है। बट बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा लॉजिक वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर में क्या होता है, जब भी सनलाइट आते हैं यूवी रेज से तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी है ना वो बढ़ जाती है। आपको सीधा सा मोटा मोटा मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर है वो कम नहीं होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, नहीं है, बढ़ता है। इसके बाद में आता है मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर में क्या होता है, मेजोस्फीयर में नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जो उल्कापिंड वगैरह चमकते हैं गिरते हैं वो बेसिकली इसी में हमें देखने को मिलते हैं। और मेजोस्फीयर में कोई ऐसा नहीं होता कि हाइट के साथ टेम्परेचर घटता वगैरह, इसमें बेसिक कंडीशन क्या चलती है, हाइट बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर कम होना है, तो टेम्परेचर कम ही होता है। इसके बाद में आता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, देखो थर्मोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की हाइट में, और इसमें जो हमारे सेटेलाइट वगैरह होते हैं वो चीज़ें बेसिकली होती हैं। तो ये कुछ हमने देखी। और इसके बाद में आ जाता है एग्जोस्फीयर, जो कि मतलब हमारे एटमोस्फेयर के बाहर वाला सबसे आउटर लेयर होती है, उसको हम एग्जोस्फेयर के नाम से बेसिकली जानते हैं। तो ये थोड़ा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे क्या सीन है। तो एक चीज़ हमें बता दी कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। देखो, पहला स्टेटमेंट देखिए कि स्ट्रेटोस्फीयर में आप जितनी हाइट पे जाओगे और आपको उतना ही गर्म मिलेगा, तो बिल्कुल सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। तो हमें तो गलत पूछा है, तो इसका मतलब पहला तो अभी एलिमिनेट हमें कर देना है। इसके बाद में सेकंड दिया गया है कि ट्रोपोस्फीयर है वो 40 किलोमीटर तक फैला है, भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर तो 0 से कहीं तो 8 किलोमीटर है और कहीं 12 या 13 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, मतलब 0 से 13 या 14 किलोमीटर तक की फैला होता है, सबसे नीचे की लेयर यही होती है। इसके बाद में कहता है कि मेजोस्फीयर में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल कंडीशन होती है। अब आप देखिए मेजोस्फीयर है कहाँ पे,
मेजोस्फीयर ये रहा, मेजोस्फीयर में तो उल्का पिंड वगैरह होता है, यहाँ पे थोड़ी उड़ते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी गलत है, वो हो जाता है, क्योंकि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं बेसिकली वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं। जो छोटे वायुयान होते हैं काफी हल्के वाले, हेलीकॉप्टर वगैरह, वो तो देखो ट्रोपोस्फीयर में ही, बाकी जो बड़े वायुयान होते हैं वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर में ही यूज होते हैं, जो कॉमर्शियल फ्लाइट वगैरह वो होती हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि बी और सी यहाँ पे गलत है, वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सही है वो करना है कि बी और गलत इसने पूछा है, तो इसका मतलब बी और सी, यस टू और थर्ड है वो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है डेन्यूब रिवर के बारे में, कि डेन्यूब रिवर का ओरिजिनेट कौन सा एरिया है। अब देखिए आप एक बात तो ये सोचिए कि डेन्यूब रिवर है कहाँ की। देखो यूक्रेन है पहला ऑप्शन ऑप्शन, दूसरा है कॉन्गो, तीसरा है जर्मनी और चौथा है वियतनाम। अब आपको थोड़ा बहुत भी अगर ज्योग्राफिकल, हमने देखो काफी बार लोकेशन डिस्कस की है, तो डेन्यूब रिवर वो यूरोप की है, तो आप ऑब्वियसली वियतनाम कैंसिल हो जाएगा, कॉन्गो कैंसिल हो जाएगा, और बात करें यूक्रेन की तो कुछ हद तक देखो है तो ठीक है, बट कुछ हद तक ये भी आप इजीली इसको एक तरीके से एलिमिनेट है वो कर सकते हो, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी अलग पड़ जाता है, तो इसलिए देखा जाए तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन होता है जर्मनी, जर्मनी में देखो डेन्यूब रिवर के पास में रूर एरिया है, वहाँ पे क्या है काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और इसीलिए वो काफ़ी पॉपुलर भी है। आप भी बताइए कि इंडिया में रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, मतलब वहाँ पे रूर माइंस वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, तो इंडिया में भी एक रूर प्रदेश है, उसके बारे में आपको बताना है कि कहाँ है वो। तो बेसिकली डेन्यूब रिवर है वो जर्मनी से ओरिजिनेट होती है और यूरोप की एक मेन रिवर है, जो कि अप्रोक्सीमेट वहाँ से 10 से ज़्यादा देशों से क्रॉस करते हुए चलती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि डेन्यूब रिवर, देखो एग्जाम में जैसे ऑप्शन देते हैं ना, वो इसी तरीके से हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। वियतनाम ऑब्वियसली गलत हो जाता है, कॉन्गो ऑब्वियसली गलत, फिर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट अगर थोड़ा सोचेंगे तो यूक्रेन भी आराम से एलिमिनेट यहाँ पे हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है। तो देखो आज सुबह ही हमने एक्चुअली कोल्ड और वार्म करंट दोनों के बारे में डिस्कस है वो क्या था, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है प्लीज, क्योंकि इसके बारे में हमने आज सुबह ही डिस्कस किया इन एक एक को सबको, तो इसमें पूछा है गर्म धारा नहीं है, मतलब आपको जो धारा ठंडी है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेशनल वाटरवेज 2 के बारे में, कि नेशनल वाटरवेज 2 को रिप्रेजेंट कौन सा करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सादिया दुबरी, दूसरा दिया गया है कोल्लम कोझिकोड, और तीसरा दिया गया है इलाहाबाद हल्दिया, चौथा दिया है काकीनाडा पुडुचेरी। अब देखो आप सोचिए कि इलाहाबाद से हल्दिया वाला कौन सा है, ये तो भाई नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें, इसने पूछा नेशनल वाटरवे 2 की, तो नेशनल वाटरवे 2 का मतलब ऑब्वियसली सदिया से धुबरी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तो इसलिए ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे। थोड़ा एक बार मैप से हम देख लेते हैं, देखो ये तो हो गया सादिया और ये यहाँ पे हो गया धुबरी, जो कि आपको बता आसाम में है, और इसके बाद में धुबरी के बाद में बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ पे मतलब बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। और आपको पता है कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था है? क्योंकि इसी के ऊपर ब्रिज है वो बनाया गया था, और काफ़ी लंबा ब्रिज था, उस ब्रिज का नाम क्या था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप जैसे वो गूगल वगैरह करो या आप अपने पीछे करंट अफेयर रिवाइज करो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का रिविजन है, नॉलेज है वो और हो जाए, तो इसलिए आप प्लीज़ इन क्वेश्चन के आंसरों को खोजने की कोशिश है वो करिएगा। अब सादिया से लेकर धुबरी तक बेसिकली 891 किलोमीटर लंबी ये रिवर है, जो नेशनल वाटरवे 2 है वो यहाँ पे बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। इसी के साथ आपको ये बताना है कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी के नाम बताने हैं, ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी के नाम है वो बताने हैं, ओनली लेफ्ट की बात यहाँ पे की गई है, तो उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर है, पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2017 की सॉरी 2017 की जो फॉर्मूला 1 जो रेस हुई थी, रेंगियन ग्रांड ट्यूर टूर्नामेंट की बात बेसिकली की जा रही है, वो किसने जीती थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रांड प्री टूर्नामेंट है वो किसने जीता था। देखो बेसिकली पूरा का पूरा फोकस करंट अफेयर पे है, तो ये जीता था डायरेक्टली इफेक्ट के आधार पे, ये जीता था सेबेस्टियन वेटल ने, तो ये हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से देखो ये थी हमारी आज की क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज, तो फिलहाल इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।